कुछ बाकी रह गया जो आपने अभी तक शूट नहीं किया? आपको कंटेंट तो वैसे सारा मिल गया है, सब कुछ मिल गया, ये एक साल के लिए चल सकता है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप, एंड मेरा नाम सुरेन है एंड हियर वी आर एट द मिर्ची 98.3 स्टूडियोज। यू नो द थिंग इज कि जब भी कुछ लॉन्च की हम बात करते हैं, एवरीथिंग हैपेंस इन अ वेरी सिंपल स्वीट वे, किसी थिएटर में गए, लेकिन बिकॉज आज हम एक गाने के बारे में बात करने आए, द गॉगल सॉन्ग। So here is the cast of Mubarak Again, a big round of applause. But before that, I'll start kar sakte hain with the two girls, because right now the audience is not just watching it here, but the entire world is watching it because wo Facebook pe bhi dekh. Love you guys so much. It's so awesome. I mean, you make me feel great and make me do what I just did. I never thought I could do something like this, but go and check, playing Punjabi, sweety, and loving it. Adhya? I hope everybody's tuned in and watching the song, and I hope they have lots of fun, just like we had while shooting the song. It's Anil sir's favorite song, and he's killed it. So yeah, go and watch now. So no question for you. अच्छे सवाल करना, वो थके हुए सवाल मत करना। ये मैंने सुना आपकी पहली फिल्म है। हाँ जी, आपकी पहली फिल्म है ये? हाँ, मेरी पहली फिल्म है ना, अनीस साहब के साथ मेरी पहली, अनीस बाजमी के साथ पहली फिल्म। वो जो इससे पहले जो देखो अर्जुन के साथ, तो मैं बचपन से कितनी फिल्में की है मैंने, यू नो बहुत सी फिल्में की है, जब से यह पैदा हुआ है रोज कोई ना कोई फिल्म शूट ही होती रहती थी, यू नो। मगर अनीस साहब के साथ पहली फिल्म है, अतिया जी के साथ, उनके साथ भी काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी फिल्में की हैं। अतिया जी, सुनील जी के साथ की, तो अतिया जी के साथ काफ़ी फिल्में की, इलियाना जी के साथ भी, इलियाना, इलियाना दे क्रूज, हाँ बात यूथ में, बात आपस में रखते हैं, यूथ में रखते नहीं, इनके साथ पहली फिल्म की है, चरण के साथ पहली फिल्म, लेकिन मगर अर्जुन के साथ तो मैं बहुत फिल्में कर चुका हूँ। तो हाँ पूछिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इससे पहले जो दीवाना मस्ताना नो एंट्री, वो अनिल कपूर कौन था फिर? मतलब जानते तो होंगे ना आप उनके बारे में? हाँ देखिए, उसमें तो मजनू भाई था अपना, वेलकम है, नो एंट्री में क्या नाम था मेरा, प्रेम ना, प्रेम, हाँ भी पॉजिटिव। और कौन सी पिक्चर बताओ, दीवाना मस्ताना है, फिर लाडला है, ये सारी फिल्में बचपन में की थी मैंने अनीस साहब के साथ। अच्छा, जवानी की पहली फिल्म मेरी, मुबारक। अमेजिंग अर्जुन, ये वैसे हमने जब भी अर्जुन सर को देखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ही हैज, लेकिन डज ही डिसिप्लिन यू एवर? मेरे को लगता नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, सॉरी सर, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, यू सो यंग, ये मुझे ज्यादा बिगड़े हुए लगते हैं यार तुमसे। हाँ मतलब आज जो भी शो का तुम्हारा फ्लो था वो तो अनिल चाचा ने आके बदल दिया, देखो कैसे हो गए आजकल। ही इज बिकम अ रेकलेस यूथ, अ रेबेल विदाउट अ कॉज, विदाउट अ पॉज। मतलब आजकल अनिल चाचा को मैं नया रंग देख रहा हूँ। वो फिल्म बनाते वक्त इतने डिसिप्लिन थे, इतने डेडिकेटेड थे, पर आजकल प्रमोशन में ऐसा लग रहा है कि सच पहली बार प्रमोट करना है, पहली बार मीडिया से मिल रहे हैं, पहली बार डांस कर रहे हैं इन गानों पर, पहली बार इंटरव्यूज होने वाले, तो उनकी एक्साइटमेंट ऐसी है। तो अभी इनके यूथ का यही रहा है, वो हर चीज ऐसे करते हैं कि पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार फोटो खिंचा रहे हैं, पहली बार इंटरेक्शन कर रहे हैं, पहली बार रेडियो मिर्ची के ऑफिस है, तो ही इज जेन्युइनली यंग, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस वन थॉट दैट ही हैज कि डू एवरीथिंग कि पहली बार कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च जब हुआ था, यू बोथ सेड दैट यू हैड अ ब्लास्ट शूटिंग विद अनिल सर, यू बोथ आर वॉचिंग देम टुगेदर, AK, yes, there's no Anil sir. By the way, it's always AK. So, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ नोटिस किया आपने, और वो दे जस्ट टू एक्टर्स, मतलब फैमिली तो है, बट फैमिली तो है लेकिन दे वेरी वेरी प्रोफेशनल ऑन सेट, एंड देन द मस्ती यू कैन सी नाउ, सो या नदी, व्हाट अबाउट यू? यू नो या दे आर फैमिली, लेकिन आई थिंक जो सेट पर प्रोफेशनलिज्म था, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, एंड AK इज सो ऑसम, आई एम गेटिंग यूज्ड टू सेइंग AK. He's so awesome, in spite of, you know, in spite of this being your first film, you've still done so much work for so many years, and you still listen to all of our suggestions, and that was really lovely of you, and I think he was so much fun to work with, and I hope we can work again. Okay. हाँ मैं जानता हूँ आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं यही बोलने वाला था। अब आपके जितने भी सवाल हैं, प्लीज स्टार्ट शूटिंग योर क्वेश्चंस, एंड मुबारक के हमारे जो स्टार्स हैं, दे गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दोस। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? नाच
क्योंकि मैं आनंद कपूर हूं तो मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। नहीं मुझे मौका मिला माइक अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी तो मैं ही बोलूंगा। नहीं अभी नहीं दूंगा माइक, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अनिल कपूर का भतीजा हूं मैं, भी जानता हूं कि बात करने की क्या वैल्यू है। अब मैं जवाब दूंगा आपको। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे रग रग में संगीत है हमारे रग रग में, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है काफी, आपने लास्ट पारिवारिक फिल्म कब देखी आपको याद भी नहीं होगा, तो एक अच्छी साफ सुथरी एंटरटेनिंग जहाँ आपको फिल्म देखकर खुशी होगी, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, आप अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। और अरे आवाज में बहुत दम है मेरे, मत की जरूरत नहीं है सर, ये वाला यूज कर लीजिए, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत है। हाँ जी, तो खुशी का माहौल है, खुशी की फिल्म है, माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप ही गए, शूट शूट पूछिए। हेलो, हाँ जी, मुझे बस प्रॉब्लम ये है किसी को पता नहीं मुझे एक ही स्टेप आता है और लोग वो स्टेप की वजह से मुझे डांसर समझने लगे। ये तो है करतार का दिमाग, करतार से कैरेक्टर भी मेरा ऐसा ही है, जीनियस जीनियस एब्सोल्युट। एक ही स्टेप किया है पूरे करियर में बाकी को जाता ही नहीं है, बेचारे दूसरे एक्टर ये सीख के डांस कर करके किसके घुटने छिल गए, किसके पांव टूट गए, और मैं लगा हूँ 38 साल से एक ही स्टेप कर रहा हूँ। डाका पूछिए पूछिए। यस मैम, ये जो गाना है गॉगल, इसमें हम चारों हैं प्लस हमारी सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो फिल्म में, जो पूरी ऑनसॉन्ग कास्ट है, बिकॉज ये संगीत का गाना है फिल्म में, ये उस टाइम पे आता है जहाँ पे संगीत का माहौल है। जब आप गाना देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों भाई नाच रहे हैं उन लड़कियों के साथ जिनके साथ शादी फिक्स हुई है, लेकिन एक्चुअली उनकी गर्लफ्रेंड उल्टी है। तो चरण नाच रहा है अथिया के साथ, चरण नाच रहा है इलियाना के साथ, पर वो प्यार करता है अथिया से, और जो करण का किरदार है वो नाच रहा है अध्या के साथ, वो नाच, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, देखो अनीस बसनी की पिक्चर की एक खासियत है, आप गाना देखेंगे तो आप समझ जाएंगे दोनों लड़के दोनों गलत लड़कियों के साथ नाच रहे, ताकि दिखावा बन सके फैमिली के सामने कि सब अच्छा चल रहा है। तो एक्चुअली प्यार के बीच में एक जो कन्फ्यूजन आ रही है, दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि उनको प्यार दूसरी लड़कियों से, उस कन्फ्यूजन की जो किंग है वो ये किरदार है। तो इन्होंने कहा है कि सबके सामने ऐसे दिखावा करो कि सब फर्स्ट क्लास, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, मगर कुछ ठीक नहीं होता। एक तो गाने की सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कि हम डांस करते करते हमारी फटी हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है, पर हमको डांस करते जाना है कि भाई किसी को शक ना हो कि ये क्या हो रहा है। ये जी जी क्या लगा रखा है, हाँ ये जी जी क्या, ये सर ये जी क्या है, हाँ ए जी ओ जी नो जी नो जी नो जी। हाँ जी, एक एक को क्या पूछ रहा है आप, क्या सवाल है आपका। ये सीन मी ग्रोइंग अप, नॉट आई हैव नॉट सीन ग्रोइंग, बचपन से मुझे देख रहा है वो, बहुत सीखा है मैंने अर्जुन से। पूरी पिक्चर की प्रमोशन हो जाएगी, आप सब गवाह होने वाले हो, इतिहास में ये बात जाएगी, अनिल कपूर विल नेवर एडमिट कि वो मेरे चाचा है, पूरी कैंपेन जाने वाली, आप देख लेना। अर्जुन मैं कैसे था बचपन में, इन्होंने ये जानते, मुझे अर्जुन चाचू बुलाते, इससे क्या और मेमोरी हो सकती है मेरी जिंदगी में, मेरे दोस्त मुझे चाचू बुलाते इनकी वजह से, पता है आपको, मेरे खुद के दोस्त इन्होंने अर्जुन चाचू बुलाना शुरू किया था मुझे बचपन में, आज तक मेरे दोस्त भी मुझे चाचू बुलाते, सोचो क्या हालत हो गई है मेरी, इन्होंने मुझे बुजुर्ग बना दिया था पहले, क्योंकि मुझे मालूम था ऐसी एक फिल्म आने वाली मुबारक हूँ जिसमें मुझे इस तरह का किरदार मिलने वाला है जो रियल लाइफ में जो मेरा है वो, यू नो। अच्छा ये तो बताओ अर्जुन जी, बचपन में मैं बहुत मस्तीखोर था, आप अभी भी मस्तीखोर हो, बचपन की तो दूर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल का जवाब दिया नहीं उसके साथ, बिना सब कुछ कर दिया। In real life, so
मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों अगर आपको रियल लाइफ में सौभाग्य दिया जाए तो आप किसको डेट करना चाहते हैं इन दोनों में से? देखो अभी छोकरा जवान है तो वो किसी को डेट नहीं करना चाहेगा. किरदार दो है मेरे, इसीलिए लड़कियां दो है. और दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मैं इलियाना की सबसे जो अच्छी चीज़ मानता हूँ वो ये है कि इलियाना नोज की पैकअप होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी एकदम अच्छी तरह इन्जॉय. देखो अलग पिक्चर बन रही है वहाँ पर. एक्चुअली वो दोनों अलग पिक्चर में ही थे. इनसे पूछना चाहिए कि उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं. लग तो नहीं रहा बिल्कुल. वो अलग एक, वो अलग टाइप की मुबारक का अलग टाइप की शादी होने वाली मुझे लगता है. इनमें से आप लोग में से कोई जो सीरियसली कैमरा में कोई अच्छा मैं नहीं, नहीं आपको देर में पूछना ही पड़ेगा सवाल. मैं सबसे पूछूंगा. आप जो बैठे हुए एकदम चुपड़ी मार के क्या आप कोई सवाल पूछिए मेरे लिए. कोई सवाल है आपको मेरे लिए अर्जुन के लिए? जवानी का राज ये है कि मैं मुबारका जैसी फिल्में करता हूँ जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जो खुशी बांटे, लोगों को हंसाए. कि ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सीरियस किसी को इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. मुझे तो जाना मज़ा करना है. लोगों को खुश देखता हूँ, हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. और मुझे लगता है हमने इस फिल्म में कोशिश की है. तो मेरी जवानी का राज इस वक्त मुबारक है. मुबारक आपका. ये आप स्ट्राइप में. आप अभी अध्या जी और इलियाना जी को एक सवाल पूछेंगे. सवाल पूछिए. नहीं नहीं पूछना पड़ेगा. आप पूछना ही पड़ेगा. आप कुछ नहीं कर सकता. इनसे पूछिए. अरे इनको जाओ, इनको हेल्प कीजिए. इनको हेल्प कीजिए. नहीं नहीं इनको हेल्प कीजिए. हाँ हेल्प कीजिए. हेल्प कीजिए. पूरी हेल्प कीजिए प्लीज. क्या है आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आना चाहिए. भाई कैट फाइट वाला मत पूछना कि आप ये जब तक प्रिपेयर कर रहा है. जब तक प्रिपेयर कर रहा है. हेलो ओके देयर इज अ गर्ल हु वांट्स टू आस्क अ गर्ल. हां हां पूछिए. ये तो हम लोग नहीं, हमारे लोग हैं यार. हमने इनको क्वेश्चन दिया. ये हमको सवाल कर रहे. ओरिजिनल हमको जेन्युइन क्वेश्चन चाहिए. जेन्युइन जेन्युइन क्वेश्चन. जेन्युइन हां ये जेन्युइन लग रही है. हां हां ये जेन्युइन लग रही है. हां नेपोटिज्म का वो पेपर कल है. आज का सिलेबस अलग है. यस आतिया यू हैव अ क्वेश्चन. इन ऑल सीरियसनेस आई वुड लाइक टू आंसर दैट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इट विल जस्ट गेट मिसकंस्ट्रूड एज अ जोक. इट्स समथिंग दैट्स गॉन ऑन फॉर टू लॉन्ग. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीजों के लिए जानी जाती है. एक चीज की वजह से क्या बात का पतंगड़ बन गया और रबर की तरफ खींच चुकी है. आई थिंक वी शुड ऑल मूव अहेड. ये नेपोटिज्म का सवाल मैंने हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान भी जवाब दे चुका हूँ. आप मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के पढ़ सकते हैं. हमारे लिए सबसे जरूरी चीज़ हम ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती. तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता. वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबली नाउ शुड मूव अहेड एंड फाइंड इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट थिंग्स एंड द गुड that the film industry is known for also and not just one element that gives you headlines. Hamare paas bahut kuch achhi cheeze jo ho rahi hai film industry. Second there's a question coming from this lady. Ji aap puchhe. Atiya sir. Ye hello ha aap yeah. You're looking very beautiful. Right? Very nice. I love your scarf. Wo bag ke bag mein jo aapne hello wo bag mein wo dog bata raha zara sa. Very nice. Beautiful. Fantastic. Mind blowing. Thank you. What is your question? It's for Atiya. This is your second film. Yes. And multi-star film. Yeah. So how was it and what fun did you have and what is your expectation? I mean, you know, second film hai. Kya expectations kar liye aapko? Expectations, I don't know. I just hope everybody enjoys watching it. Just like we had a blast making it. I feel extremely blessed that I get to work with Anil sir in my second film Anees Bazmi. Sir I mean AKA yeah, sorry bola inko kitni bar bola na maine inko science padhaya na mathematics padhaya na mujhe queen ne koi aisa nahi bol ke AKA okay that's better yeah and Anees sir oh call me kartar
Kartaal. I forgot what I was saying. Arjun Kapoor, Iliana. So I'm happy. I got to learn a lot by observing, being on set with such amazing people. And yeah, so I had lots of fun, and I hope you guys have fun watching. One more question. Arjun, you should have seen that, you know, Arjun is close, and you know, yes, yes sir, photo ops, photo opportunity. इसमें भी मैंने दो-दो अर्जुन कपूर हैं। हाँ जी। तो कैसा था और कौन सा अर्जुन कपूर आपको ज़्यादा पसंद आया? हमारा सबका एक ही वोट है। चरण। चरण। हाँ, देखो अभी आया ना, आपकी मूँछे, मूँछे, आपका नाम क्या है? संदेश। हाँ? संदेश जी, आप अर्जुन से क्या पूछना चाहते हैं? क्या संदेश है? If I can just answer it simply, you should look at the good that is happening also. No? Rais did well, Kabil did business, half girlfriend did business. Now you cannot always match the year before that. Bahubali this year has done well. At the end of the day, ticket windows, people are still coming to see it. Hits and flops are part and parcel. The year still has 6 months left and a lot of good films coming. So hopefully by the end of the year, we'll have even more successful films. आंकड़ों का क्या होता है ना, आंकड़ों की वजह से पिक्चरों को कई बार वैल्यू कम मिलती है. बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें भी लगी हैं जो पसंद की गई हैं, जैसे हिंदी मीडियम में. सो देयर आर वेरियस फिल्म्स दैट हैव डन वेल. वी शुड नॉट ओनली लुक एट द कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, वी शुड लुक एट द होल ईयर टुगेदर, पुट टुगेदर. तो होपफुली डिसंबर के बाद जब बात करेंगे तो ये चीज़ नहीं उभर के आएगी कि सिर्फ एक या दो. आई एम होपिंग ज़्यादा पिक्चरें. आप जो ब्लेंड हो रही हैं दीवार के साथ, आपके टॉप के साथ. हाँ, एक चीज नहीं कर रहा था, वो है डांस की, क्योंकि मुझे एक ही मूवमेंट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा लग रहा बैठ रहा बैठ रहा बैठ रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, he teased me a lot. He used to try and make me. You, Arjun. किधर मैं यार मजाक करो तो लोगों को पसंद आता है. देखो मैं कितना, तो बस sweetly innocently थोड़ा तंग करते रहता हूँ. हाँ. मैं हाँ. चरण के character पे. Sweetly तो कितनी cute है, कितनी sweet है, कितनी funny है, कितनी hot है. Sweetie तेरा प्यार चाहिए था. Yeah, but he is a sweetie. But he did tease me a lot. Thank you so much. Thank you.